तो गाइस ये मोटो एज 50 प्रो है मेरे पास, देख रहे हैं। ये कलर भी है अच्छा, जो सबसे टॉप कलर है, आपको जो भी कलर दिख रहा है। और इसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या फीचर्स है, और रियल में हम आपको दिखाएंगे, कोई भी प्रोमोशनल वीडियो ये नहीं है। तो ये हम बॉक्स ओपन किए हैं, बॉक्स ओपन करने के बाद क्या मिला बॉक्स में, ये एक 125 वाट का चार्जर है, टर्बो चार्जर जो मोटर लगा होता है, और टाइप सी टू टाइप सी, ये देखिए। और इसमें आपको टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग है केबल, और यहाँ पर ही आपको एक डेटा केबल देता है जो कि टाइप सी टू टाइप सी है। और बॉक्स में आपको और क्या मिला हम आपको दिखाते हैं, एक कुछ मैनुअल्स है, एक सिम इजेक्टर है, और यहाँ पर ये एक बैक कवर मिला है जो कि सेम कलर का है, इसको भी हम ओपन करके दिखाते हैं। ये जो बैक कवर है ये आपको दिख रहा है, और कलर भी बहुत अच्छा है, बस। और बॉक्स में कुछ नहीं है। अब हम आपको फ़ोन का फीचर्स तो ऑलरेडी आप ऑनलाइन में देख लिए होंगे, ठीक है। बहुत फास्ट वर्किंग है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें गूगल का डायलर और मैसेजिंग एप्लीकेशन दिया गया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम आपको जेन्युइन रिव्यू दिखाएंगे, इसमें कोई भी आपको अच्छा या सिर्फ अच्छा या सिर्फ ख़राब नहीं बोलेंगे। और कैमरा जो है बहुत अच्छा कैमरा फीचर्स है, हम आपको वो भी दिखाते हैं, ये बैक कैमरा से हम आपको शो करा रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो मोड में स्टेबल अच्छा है, इसको हम अभी ये मोड ऑन करके आपको दिखाते हैं। अच्छा वीडियो का स्टेबिलिटी है, और इसमें एक पोर्ट्रेट मोड दिया गया है जो कि कोई भी चीज़ को मान लीजिए अच्छा से स्कैन करता है। इसमें जो जो मोड है हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा का, कुछ प्रो मोड है, यहाँ पर ही QR स्कैन के लिए है, और यहाँ पर ही कुछ फंक्शन सेटिंग है, और स्पॉट कलर, यहाँ पर जो जो फंक्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ही ऑटो मैक्रो का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके बाद बहुत अच्छा अच्छा फीचर सबको दिया गया, सेल्फी मिरर का ऑप्शन है, उसके बाद कैप्चर मेथड का है, शटर साउंड, ये सब ऑलरेडी रहता है हर फोन में। तो वाटरमार्क का ऑप्शन है, गूगल लेंस भी डायरेक्ट यहाँ कैमरा से है। तो और एक चीज़ है, हम इसमें आपको 4K में जो कि रिकॉर्ड होता है, 4K में ये स्टेबिलिटी काम करता है कि वो भी देख लेते हैं। हाँ ये स्टेबलाइजर का ऑप्शन दे रहा है, 4K में भी आप वीडियो को स्टेबल करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। तो यहाँ पर ये इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा 4K बंद करके HD में कर देते हैं। अच्छा फ्रंट कैमरा देखते हैं, फ्रंट कैमरा का जो क्वालिटी है नॉर्मल एवरेज है, पर वाइटनेस जो है, जो वाइट बहुत ज़्यादा वाइट कर दे रहा फेस को, बाकी यही फीचर्स है। और इसका जो लुक बहुत अच्छा है, लुक इसका जो लेदर बैग का डिज़ाइन दिया गया बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हाथ में जो स्लिप भी नहीं कर रहा है, पूरा कंप्लीट पकड़ पा रहे। तो ये हम आपको नॉर्मल इसका जो रिव्यू हम आपको डाल रहे हैं, पूरा डिटेल्स में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ, इसलिए हम नहीं डाल रहे पूरा डिटेल्स, जो कि ऑलरेडी आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी। और इसका जो लोगो है मोटो का, ये थोड़ा चेंज किया हुआ 3D टाइप, ठीक है, और ये थोड़ा स्मूथ भी लग रहा है टच करके, बाकी इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा, अब इसमें प्रॉब्लम एक ही आया है कि इसका जो डायलर है, जो स्टॉक एंड्रॉयड दिया है, इसमें गूगल का डायलर मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसमें आप ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड में अनाउंस करेगा। और दूसरा बात है, इसमें आप कोई भी नंबर ब्लॉक करेंगे तो इसका कॉल या मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला।
तो ये प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि अगर मोटरोला चाहा तो इसका ऑल्टरनेटिव कुछ अपडेट डाल सकता है, तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी इस बजट में नॉर्मली ठीक है, एवरेज है, हम आपको बेस्ट नहीं बोलेंगे, एवरेज है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।